हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पनीर दो प्याजा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पनीर दो प्याजा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 250 ग्राम पनीर को स्क्वायर शेप से कट के रखा, एक बड़ा ऑनियन को ऐसे स्क्वायर शेप से कट के रखा, 4 ग्रीन चिली, 2 चम्मच फेस क्रीम, एक बड़ा टोमेटो प्यूरी बना के रखा, एक बड़ा ऑनियन को बारीक चॉप करके रखा, खड़े गरम मसाला में एक इलायची, एक दालचीनी, 2 लौंग, 2 तेज पत्ता, एक रेड चिली, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच ऑयल ऐड करके गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल गर्म हो गया, जो स्क्वायर शेप से कट के रखा था ऑनियन को वो पहले लाइटली फ्राई कर लूंगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी, ओनली ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा तब मैं निकल लूंगी। ऑनियन को निकल के रखा प्लेट में। अभी जो पनीर लिया वो लाइटली फ्राई कर लूंगी। सारे पनीर को ऐड कर दिया, पनीर को लाइटली फ्राई करूंगी दोनों साइड फ्राई कर लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट होता है, इसके लिए हल्का हाथों से ही फ्लिप करने का। पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया, दोनों साइड कलर चेंज हो गया। प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम ऑयल में जीरा, तेज पत्ता, खड़े गरम मसाला, रेड चिली ऐड कर दिया और एक मिनट सॉल्टी कर लूंगी। और जो ऑनियन को बारीक चॉप करके रखा था वो ऐड कर दिया। ऑनियन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करूंगी कलर चेंज होने तक। अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया वो ऐड कर देती हूँ। अभी 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अभी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर, रेड चिली, धनिया, मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिनट फ्राई करूंगी। अभी जो टोमेटो को पीस बना के रखा था वो ऐड कर दिया और वो भी अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट और फ्राई कर लूंगी। मसाला जितना अच्छा फ्राई करेंगे भाजी में इतना अच्छा टेस्ट आता है। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साइड से ऑयल छोड़ रहा है। अब जो पनीर फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ। मसाला के साथ मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक
और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला के साथ पनीर को और 5 मिनट्स कुक करूंगी। जो गरम मसाला लिया वो भी ऐड कर देती हूँ। और जो अनियन और ग्रीन चिली लिया था वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मसाला के साथ पनीर को 5 मिनट्स अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर दो प्याज़ा बन के रेडी हो गया। अभी जो कसूरी मेथी लिया था वो ऐड कर देती हूँ ये बार के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और एक बार मिक्स कर लेती हूँ और गैस का फ्लेम लो करके जो फ्रेश क्रीम लिया वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी गैस बंद करके डिश आउट कर लेती हूँ। पनीर दो प्याज़ा बनके रेडी हो गया। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। रोटी पराठा नान के साथ अच्छा लगता है। ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।